अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सबके साथ। मैं हूं तशा वकास। एज यू ऑल नो दैट माय चैनल इज ऑल अबाउट ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज की जो वीडियो है वो है अबाउट हेयर क्रिम्पर मशीन। जैसे कि मैंने अक्सर वीडियो में हेयर स्टाइल बनाया होता है, लाइव वीडियो में मैंने बनाया हुआ था, और शेपर बेस की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने हेयर स्टाइल बनाया हुआ था जिसमें मैंने बालों में क्रिम्पिंग की हुई थी। अभी मैंने अपने बालों को कुछ भी नहीं किया हुआ। तो एक ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और एक जो सीरम मैं यूज़ करती हूँ बिफोर क्रिम्पिंग जिससे बालों में शाइन आती है और बाल फ्रिजी नहीं लगते, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। ये है वो क्रिम्पर जो मैं यूज़ करती हूँ, इट इज़ फ्रॉम मैजिक सैलून। क्रिम्पर जो है ना वो ब्रांडेड कंपनीज के पाकिस्तान में नहीं आते। वैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि जब भी कोई आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लें तो कोशिश किया करें कि रेमिंगटन के लें। रेमिंगटन जो है वो प्रोफेशनल यूज़ होता है पार्लर सैलून्स वगैरह में। और सेकंड ये कि जो रेमिंगटन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, पर ये है कि वो काफ़ी अर्सा चल जाते हैं। मेरे तो अभी तक ख़राब नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह, 7 साल हो गए हैं मुझे बाय किए हुए। सिर्फ एक क्रिम्पर वाहिद था जो मुझे रेमिंगटन में नहीं मिल रहा था, ढूंढ 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 के नहीं मिल रहा था। जहाँ पे भी मैं जाती थी, शाहीन पे, डिवर्टसन पे, इसके अलावा कॉस्मो है हमारे यहाँ पे जहाँ से मैं इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें परचेज करती हूँ, जिना का पार्क में सबको पता होगा, तो वहाँ पे भी मुझे मिल नहीं रहा था। और वो सब यही बोलते थे कि क्रिम्पर जो है वो आता ही नहीं है, वो आपको लोकल मार्केट से ही लेना पड़ेगा और वो आपको लोकल ही मिलेगा, आपको ना वो ब्रांडेड नहीं मिलेगा। तो फिर तंग आके फिर मैंने ये लोकल ही लिया था। इसके डिफरेंट पैकेजिंग है, क्यूने की पैकेजिंग में आता है, मैजिक सैलून की पैकेजिंग में आता है, और भी इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट नेम से ये पैकेजिंग में आता है क्रिम्पर। तो मतलब कि कोई हिस्ट्री नहीं है कि आप किसी कंपनी का ही लें, आपको लोकल ही मिलेगा, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। क्यूने में आता है, मैजिक सैलून में आता है, मैजिक मिरर में आता है, उसके अलावा और भी डिफरेंट कंपनीज हैं जिसके अंदर ये आता है, क्योंकि ये लोकल मतलब कि ये चाइना से यहाँ पे पाकिस्तान में लाया जाता है और उसके बाद पैकेजिंग अपनी ये लोग करके इसको सेल आउट करते हैं। तो ये दिखने में कैसा है ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये होता बिल्कुल स्ट्रेटनर की तरह है। और जब भी ये आप लें ना क्रिम्पर तो थोड़ा सा वाइड जो होता है वो वाला लिया करें, स्लिम वाला मत लिया करें। वाइड वाले से ज़्यादा अच्छी क्रिम्पिंग होती है बालों के अंदर और ज़्यादा अच्छे वेव्स डलते हैं, तो ये वाइड में लिया करें। इसके देखें ऊपर यहाँ पर प्रेशर पॉइंट्स बने हुए हैं, तो ये प्रेशर इससे ये है कि बाकी ये सारा गर्म हो जाता है, इस जगह से ये हीटअप नहीं होता। तो इसको आप दबाएंगे तो आपके हाथ वगैरह जलेंगे नहीं। बाकी इसके साथ ग्लव्स भी थे जो कि मैंने पता नहीं कहाँ फेंक दिए, मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया लिए हुए। तो ग्लव्स थे वो यूज़ कर, एक हाथ का एक ग्लव आता है तो उससे पहनो तो उससे भी हीट वगैरह नहीं लगती हाथ पे। इसकी जो प्लेट्स होती हैं ना वो इस तरह की होती हैं, ये ऊपर और नीचे की सेम इस तरह की इसकी प्लेट्स होती हैं। क्रिम्पिंग की प्लेट्स ऊपर हैं और 5 ही नीचे, तो ये जब इनको दबाओ बालों के दरमियान तो वेव्स बालों में पड़ती हैं, क्रिम्पिंग होती है बालों में, बहुत मज़े के लगते हैं। ब्राइडल हेयर स्टाइल और पार्टी मेकअप के हेयर स्टाइल में बहुत 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 यूज़फुल होता है, स्पेशली अगर थिन हेयर हैं तो उसको हम क्रिम्पिंग करके उसको वॉल्यूमाइज करते हैं और उसके बाद उसकी हेयर स्टाइलिंग करते हैं। स्पेशली कुछ ब्राइड्स के और कुछ लड़कियों के भी बाल जो है ना वो आगे से बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, तो उन पर फिर क्रिम्पिंग करते हैं बारीक बारीक लेयर्स लेके, उसके बाद बालों में स्टाइलिंग करते हैं, तब जाकर उनका हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, वरना फ्रंट से बाल बैठे बैठे आते हैं। तो ये था इसका कुछ इंट्रोडक्शन। बाकी ये है कि इसकी जो हीट है वो है 230 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। इसके पीछे जो ये लूप होता है इसके अंदर लॉक का सिस्टम नहीं है कोई, वरना जो मेरे रेमिंगटन के स्ट्रेटनर हैं, कर्लर है, उन सब के अंदर लॉक का सिस्टम है। उसको मैं यहाँ से प्रेस करती हूँ तो वो लॉक हो जाता है, लेकिन ये ऐसे ही ऑन रहता है, तो इसको मैं बैंड लगा के फिर बंद करती हूँ। तो इसका ये बना हुआ है ऑन ऑफ बटन बना हुआ है इसके अंदर, और इसके अलावा इसके अंदर बना हुआ है हीट के पॉइंट्स बने हुए हैं इसके अंदर। तो इसकी जो हीट है वो है 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो अपनी मर्ज़ी से आप हीट इसकी सेट कर सकते हैं। बाकी ये केरामिक है, और केरामिक का बेनिफिट ये होता है कि जिस तरह से नॉन स्टिक हम बर्तन यूज़ करते हैं ना, सेम वो क्रामिक प्लेट्स का यूज़ होता है। ये बालों को जलाती नहीं है और बाल इसमें चिपकता नहीं है। बेशक आप जेल लगाएं बालों में, स्प्रे लगाएं, तो वो बाल इसमें चिपकेगा नहीं और टूटेगा नहीं। तो जब भी स्ट्रेटनर लें, रॉड लें, हॉट रोलर्स वगैरह या क्रिम्पर वगैरह, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें यूज़ होती हैं,
वो जब भी आप लें तो कोशिश किया करें कि केरामिक आप यूज़ किया करें, प्लेट्स जो है ना उसकी चेक कर लिया करें कि केरामिक हो, ग्रे कलर की हो, ब्लैक कलर की हो लिया करें, सिल्वर कलर की प्लेट्स कभी मत लिया करें। तो अभी मैं इसको ऑन करके इससे आपको क्रिम्पिंग करके दिखाती हूँ कि कैसे लगते हैं बाल मेरे। तो इसको अभी हम ऑन करेंगे, ये इसको यहाँ से ऑन करेंगे, 155 पर है, फिर नेक्स्ट हीट इसकी 180, फिर 205 एंड 230। तो मैं इसको 230 पर रखती हूँ हमेशा फुल हीट पर। तो नीचे से डिक्रीज का ऑप्शन भी है, हमेशा आप डिक्रीज कर लें तो ये फ़ौरन से हॉट हो जाता है। फिर इसकी क्रिम्पिंग करें, इतने अच्छे आपके बाल लगते हैं, मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। मुझे हेयर स्टाइलिंग में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ना, वो क्रिम्पिंग अच्छी लगती है। इतना बस आप कुछ भी मत करो, लिपस्टिक लगा लो लाइट से और क्रिम्पिंग कर लो, इतनी अच्छी मॉड लुक आती है, इजीली आप कहीं भी जा सकते हैं बाहर। तो अभी ये बस गर्म हो तो मैं इसकी क्रिम्पिंग स्टार्ट करती हूँ। हो गया है गर्म, फ़ौरन से ये हीट अप हो जाता है, बहुत अच्छा है। ये मैंने 2500 का लिया था, इसमें लोकल भी आते हैं 1500 वाले और 1700 का, 2000 की रेंज में भी आता है, पर बिल्कुल मज़े की क्रिम्पिंग नहीं होती उससे। ये देखें, इस जगह से मैं पकड़ के ना इसको ऐसे दबाऊंगी, जल्दी ये हीट अप हुआ है। मुझे इलेक्ट्रॉनिक से प्रोडक्ट जो है ना ऐसे ही अच्छे लगते हैं, जो फ़ौरन से हीट अप हो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, क्लाइंट्स किसी किसी टाइम पे इतना रश होता है कि इतना टाइम नहीं होता कि मैं अब लगा के 15 मिनट वेट करूं कि अब ये गर्म हो तो मैं उसके बाल करना शुरू करूं। मैं कहती हूँ बस फ़ौरन से हीट अप हो प्रोडक्ट, ऐसा हो। जितना भी सामान था ना सब इसी वजह से रिमिंगटन का लिया था, मुझे 7 साल हो गए माशाल्लाह, मेरा अभी तक ख़राब नहीं हुआ। तो ना मेरी फ्रेंड है जो मेरे साथ सैलून पे होती थी, उसने सारा लोकल लिया था सामान, यहाँ पे बड़ा मार्केट बहुत फेमस है वहाँ से, तो उसका साल भी नहीं बचला और 6 महीने उसका ख़राब लिए। तो हो गई क्रिम्पिंग बगैर सीरम के। देखिए अभी मैंने कोई सीरम नहीं लगाया और सिंपल क्रिम्पिंग की है, तो थोड़े से बाल ऐसे लग रहे हैं ना जैसे रूखे रूखे से, इसके बाल फ्रिजी है ना, और डायरेक्ट क्रिम्पिंग अगर करे बालों पर तो बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना फ्रिजी लगना शुरू हो जाते हैं ऐसे। तो उसके लिए सीरम है ये लिवोन का, ये सीरम है, ये मैं बालों में अप्लाई करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रॉप ये बालों में लगाते हैं पूरे, और बाल इतने ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा शाइन आती है बालों में। उसके अलावा अगर आप ये कंटिन्यूस यूज़ करें नहाने के बाद अपने गीले बालों में 2 ड्रॉप लगाएं, तो बालों के स्प्लिट एंड्स को ये ख़त्म कर देता है नेचुरली। तो ये मैं क्रिम्पिंग में और स्ट्रेटनिंग में यूज़ करती हूँ। स्ट्रेटनिंग में एक और चीज़ यूज़ होती है, वो मैं आपको स्ट्रेटनर वाली वीडियो में शो करूँगी, और कर्लिंग के लिए जो चीज़ यूज़ होती है जिससे कर्ल ना खुलें, वो मैं आपको कर्लिंग वाली वीडियो में शो कर दूँगी। प्राइस मुझे भूल गई इसकी कितनी थी, क्योंकि विकास ने पे किए थे पैसे और टाइम भी काफ़ी हो गया, तो मुझे प्राइस नहीं याद। आई थिंक 170 या 150 समथिंग का था, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि इसकी प्राइस क्या है, जिसके पास ये है और जो ये ऑलरेडी यूज़ कर रहा है इसका रिजल्ट कैसा है वो भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। उससे ये है ना कि और लड़कियों को भी गाइडेंस मिल जाएगी कि वो इसको परचेस करें या ना करें, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं है। तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जिसने यूज़ किया है और जिसको इसका जैसा रिजल्ट मिला वो नीचे कमेंट कर देना। मैं ये आपको खोल के दिखाती हूँ कि कैसा ये इस तरह की बोतल में आती है। यह है कि इस पर एक्सपायरी भी मेंशन है इसकी, और इसके ऊपर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मेंशन है, 2017 में बना है, 2020 में ये एक्सपायर होगा। सिर्फ ये 2 ड्रॉप, अब यहाँ पे मैंने विदाउट ड्रॉप लगा के क्रिम्पिंग की, इस तरफ मैं ड्रॉप लगा के क्रिम्पिंग करके दिखाती हूँ आपको कैसी लगती है। तो सिर्फ 2 ड्रॉप आपने लेने हैं, इस तरह से आप बालों के मिड से शुरू करें और लाइट सा यहाँ लगा के इस तरह से, और फिर लास्ट के जो टिप्स होते हैं उन पे इसका मसाज करके, फिर उंगलियों से जेंटली इस तरह से कॉम कर ले। इन वाले बालों में मैं क्रिम्पिंग करके दिखाती हूँ, डिफरेंस आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका क्या डिफरेंस। ये इस क्रिम्पिंग में और इस क्रिम्पिंग में डिफरेंस। एक पार्टिंग और लेके, और जितनी थिन पार्टिंग आप लेंगे उतनी अच्छी क्रिम्पिंग होगी। करके दिखा देती हूँ मैं आपको, और फिर उसके बाद मैं सारे बालों पे क्रिम्पिंग करके ना फिर आपको दिखाती हूँ बाल कैसे लगे।
क्रिम्पिंग के बाद अगर आप चाहें तो बालों पे हेयर स्प्रे भी कर सकते हैं। क्रिम्पिंग के बाद बालों को कॉम नहीं करते, फिंगर से ही बिल्कुल लाइट लाइट सा अगर आपने सुलझाना है या कोई बालों में बाल खड़े हुए हुए हैं या सेटिंग करने वाले हैं तो आप लाइट लाइट सा फिंगर से ही कर लें ऊपर ऊपर से, लेकिन कॉम नहीं करना, उससे थोड़ी सी क्रिम्पिंग जो है वो खुल जाती है। इतनी ज़्यादा तो नहीं खुलती पर जैसे वेव्स क्रिम्पिंग करने से पड़ती हैं उस तरह की पड़ती। देखें अब इस वाले बालों के अंदर कितना वॉल्यूम आया हुआ है, अगर मैं फ्रंट का सिर्फ लिख ही देख लूँ ना अपना, ये देखें क्या मुझे इसके अंदर इतनी बेकॉमिंग करने की ज़रूरत नहीं है इसको अगर मुझे सेट करना हो तो। ट्विस्ट तो डालूंगी तो उसमें भी इतनी ज़्यादा ऑटोमेटिकली वॉल्यूम आ जाएगा, फ्लफी फ्लफी और फूला फूला सा उठा उठा सा ट्विस्ट आएगा, ये देखें बगैर बेकॉमिंग। ये इसका फ़ायदा है क्रिम्पिंग का। तो ये थी क्रिम्पिंग के ऊपर वीडियो। जैसे आप सब पूछ रहे थे मेरे से बार बार क्रिम्पर बता दें अच्छा समय का आएगा, ये 2500 का आएगा, लेना हो तो मैं लिंक डाल दूँगी नीचे उनके पेज का, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करें, और आपका क्रिम्पिंग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है या नहीं है वो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। जिसके पास ऑलरेडी है क्रिम्पर वो किस कंपनी का यूज़ कर रहे हैं और वो कैसा है यूज़ में वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो बाकी ये है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे यह है कि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल जाया करेंगी। तो अपना ढेर सारा रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।